हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और GTA 5 की गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली वीडियो में गाइस हम लोग भाई अपनी फैमिली को ढूंढते ढूंढते बेलाज गैंग वालों के पास गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे शक हो रहा था मार्टिन मद्रासो पे हमारे शक जा रहा था। लेकिन भाई हम लोग जैसे ही बेलाज गैंग के हेडक्वार्टर गए, वहाँ पे हम लोगों ने पूरी बेलाज गैंग को उड़ाया। जब पूरी नहीं भाई, थोड़ी बहुत होगी, पूरी तो नहीं होगी, इधर भीतर बिखरे रहते हैं ये लोग, ठीक है। हम लोगों ने जितने बंदे थे उधर हम लोगों ने हेडक्वार्टर वाले बंदे मार दिए सारे। एक उन लोग का लीडर हम लोग जब हत्या आया, हमने भाई उससे पूछा कि मार्टिन मद्रासो ने हमारी फैमिली को उठाया है कि नहीं उठाया, तो ये कह रहा हाँ भाई मार्टिन मद्रासो ने तुम्हारी फैमिली को उठाया है। लेकिन भाई मैं तुम्हें उसको ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं निकलवा सकता हूँ, मैं बस तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उसका बंकर है किधर, उसने एक बंकर में छुपा रखा है, तो तुम अपनी फैमिली को बचा सको तो बचा लेना बंकर में जाके। तो गाइस हमने कहा ठीक है भाई, तू बता फटाक से हमें बंकर। तो गाइस हम उसी को लेके हमने उसको गाड़ी में बिठाया अपनी। तो गाइस हम चारों दोस्त जा रहे थे उसको लेके, ठीक है, हम चारों दोस्त, मैं, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और बॉडी बिल्डर लेके जा रहे थे गाइस उसको उसके मार्टिन मद्रासो के बंकर में। लेकिन भाई क्या हुआ, बीच रोड पे भाई मार्टिन मद्रासो ने भाई पूरी रोड ब्लॉक करा रखी थी और भाई 10-20 अपने ब्लास गैंग के गैंग मेंबर, ठीक है, लेके आ गए। और गाइस उन सबके हाथ में मिनी गन थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी भी इन लोग के हाथ में मिनी गन है, ठीक है। तो उस टाइम भी इन लोग के हाथ में मिनी गन थी। और गाइस जैसे ही हम लोग भाई उधर पहुंचे, गाइस हमारी गाड़ी में हो गया ब्लास्ट और गाइस हम सब हो गए फ्यूज, ठीक है। तो जैसी मेरी आँख खुली गाइस वहाँ पे मार्टिन मद्रासो आया और गाइस उसने स्टन गन से हमें फिर से बेहोश कर दिया। और गाइस जब मेरी आँख खुली भाई हम लोग किसी बस के अंदर थे, ठीक है, तो बस के अंदर मैं और फ्रैंकलिन थे और हम लोग को कहीं लेके आया जा रहा था। और गाइस हम लोग यहाँ पे लेके आ गया मार्टिन मद्रासो हमें अपने बंकर के अंदर। आई थिंक ये मेरा इसका बंकर ही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और गाइस इससे मैं उठ जाता हूँ, गाइस यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से उठाऊँ, ठीक है, यहाँ पे उठ गया और इससे बात कर लेता हूँ आखिरकार ये हमसे चाहता क्या है, ये हमें क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों हमारी फैमिली को इसने उठाया है, एक गाड़ी की वजह से ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इससे पूछ लेता हूँ गाइस। क्योंकि भाई देख सकते हो गाइस हमारे यहाँ पे दोस्त भी पड़े हो भाई, ट्रैवर को तो मार मार के इन लोगों ने नंगा कर दिया, बॉडी बिल्डर तो खैर रहता ही नंगा है। तो गाइस मैंने इससे बात कर दी और ये कह रहा सबसे पहले तुम जाओ और पीछे ज़रा एक नज़र मार के आओ। तो गाइस पता नहीं पीछे इसने क्या रख रखा है, देखते भाई चल के आखिरकार क्या है। और गाइस हमारी फैमिली, गाइस माइकल की फैमिली है, देख सकते हो जिमी, ट्रेसी और अमेंडा तीनों इधर बैठ रखे हैं भाई, और इन सब पे भाई हथियार ताने, ये भाई तीन गार्ड भी खड़ा और पीछे भी भाई तीन गार्ड खड़े हैं। तो गाइस मैं आखिरकार इससे मैंने बात करी और ये कह रहा है तुमने मेरी गाड़ी चुराई, उस वजह से मेरी गैंगस्टर समाज में बहुत बेइज्जती हो रखी है, और जो इसका भाई है एल रूबियो उसकी और इससे बनती नहीं है। तो गाइस वो क्या कर रहा है एल रूबियो, बहुत जनों के सामने इसकी बेइज्जती कर रहा है, इसकी मजाक उड़ा रहा है। तो ये हमसे ये चाहता है कि हम लोग एल रूबियो के पास जाए, एल रूबियो का एक पर्सनल टापू है, ठीक है, हम लोग एल रूबियो के पास जाए और गाइस एल रूबियो को जो भी सामान वामान जितनी भी उसकी कीमती चीज़ें हैं सब चोरी करके लाए। लेकिन भाई ये मेरे से यही कह रहा है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एल रूबियो के वहाँ पर जाओ टापू को और गाइस उसका सामान वामान चुरा के लाओ, उसके हाइस्ट करो उसके वहाँ पर टापू पर, वरना मैं तुम सबको यहीं पे मार दूंगा। तो गाइस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो गाइस मैंने इससे कही ठीक है भाई मैं कर दूंगा हाइस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने इससे कही भाई हमें थोड़ा टाइम लगेगा उस हाइस्ट को प्लान करने में। इसने गाइस तुरंत मेरे से ऐसी कही भाई, इसने मेरे से ये कही ठीक है तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना प्लान ले लो, तुम अपना जो भी तुम्हारा दोस्त है लेस्टर उसको भी ला सकते हो इधर, तुम्हें जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करूँगा, लेकिन तुम्हें उसको कैसे भी करके बचाना है, उसको मतलब कैसे भी करके उसके घर पे चोरी कर दें क्योंकि वो मेरी बहुत बेइज्जती कर रहा है। तो मैंने कही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं कर दूंगा। तो गाइस मैंने इसको हाँ कह दिया और गाइस अब मैं अपने भाई दोस्तों को उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ गाइस फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरे को लेस्टर के पास जाना पड़ेगा, लेस्टर को मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो सीन हो गया हमें भाई उसने पकड़ लिया था, उस भाई हमसे ये करवा रहा है, ठीक है। तो मैं फटाक से उठाता हूँ अपने दोस्तों को और इसको तो मैंने हाँ कह दिया, खैर ठीक है इन तीनों को उठाता हूँ, देख सकते हो गाइस कैसे ये लोग बेचारे बेहोश पड़े, तो उठा लेता हूँ इन तीनों को। तो गाइस मैंने उन तीनों को उठा दिया, देख सकते हो भाई तीनों वहाँ पड़े हुए हैं। और भाई ट्रैवर देखो भाई, ट्रैवर अभी भी चौड़ में खड़ा हुआ है। तो इसने मेरे से कही है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए पीछे एक गाड़ी खड़ी करवा दी है, उस गाड़ी में बैठ कर तुम तीनों लोग यहाँ से जा सकते हो, ठीक है गाइस यहाँ पे चलते हैं। और गाइस हमें लेस्टर से पूछना है क्योंकि एल रूबियो का मैं नहीं जाता हूँ, एल रूबियो कितना खतरनाक है, लेकिन बस हमें इतना पता चल गया है कि एल रूबियो के पास उसकी एक पर्सनल व्हीकल है, ठीक है। एल रूबियो के पास उसकी पर्सनल व्हीकल नहीं भाई, उसका पर्सनल टापू है, सॉरी मेरे मुँह से व्हीकल निकल गया, लेकिन भाई उसके पास पर्सनल टापू है उसका खुद का। तो गाइस मैं सोच सकता हूँ भाई कितना मतलब खतरनाक होगा वो कि पर्सनल टापू रखता है। यहाँ पे देख तो माइकल भी नहीं चल पा रहा है और अपने दोस्त भी नहीं चल पा रहे, ठीक है। भाई ट्रैवर तो उधर खड़ा हुआ पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से अपना ब्लड व्लड पूछ रहा होगा शरीर का, क्योंकि भाई उसके टी शर्ट वगैरह सब छीन लिए भाई, नंगा कर करके मारा भाई ट्रैवर को। तो भाई पता नहीं ट्रैवर से क्या खुंदस आई इन लोगों, तो आ जाओ भाई सब लोग बैठ जाओ भाई, फटाक से बैठलवा देता हूँ उन लोग को गाड़ी में। तो गाइस वो आ रहा है, ट्रैवर भाई ट्रैवर भी चल नहीं पा रहा है, ठीक है, ट्रैवर की भी हालत बहुत ख़राब है भाई, बहुत गंभीर हालत है सबकी। तो यहाँ पे चलते हैं भाई ट्रैवर के पास, ट्रैवर से भाई बातचीत करते हो गाइस, हमारी फैमिली का फैमिली की बात है, वरना तो भाई इसे मार देते। ये कह रहा है जब तक तुम हमें
उसके घर पे हाइश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जोड़ूंगा। और कह रहा है अगर तुमने ज़्यादा ही चला के दिखाई तो मेरे पे 2 सेकंड लगेगा इस तुम्हारी फैमिली को गोली मारने में। तो गाइस मैंने कही कोई चला के नहीं दिखाऊंगा, तो यहाँ से टनल से बाहर निकलते हैं फटाक से, ठीक है। तो टनल से बाहर निकलते हैं और गाइस लेस्टर के पास चलते हैं फटाक से गाड़ी भगाते हुए। तो गाइस देख सकते हो मैं टनल के बाहर आ गया हूँ, ठीक है। और भाई देख सकते हो रात हो गई, शाम हो गई, पता नहीं चल रहा है क्या हो गई है, मेरे ख्याल से दिन होने वाला है, ठीक है। हाईवे पे ही यही जगह, लेकिन भाई हम लोग भाई इसका लोकेशन काफ़ी अलग है, तो भाई अंधेरा अंधेरा रहता है। जैसे तुम टनल से बाहर निकल जाओगे भाई अंधेरा अंधेरा रहेगा, और भाई जैसे तुम टनल के बाहर निकलो तो भाई एक रेगिस्तान जैसा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं लोकेशन पे, ठीक है। तो भाई काफ़ी गाड़ी चलाने के बाद मैं हाईवे पे आया था, तो मैंने तुम लोग को वो जगह दिखाई नहीं, लेकिन भाई इसके अंदर काफ़ी अंदर को इसका है अंडरग्राउंड बेस, ठीक है। तो भाई काफ़ी ख़तरनाक बंदा है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लेस्टर को कॉल करके बताया था भाई ऐसा सीन है, ताकि भाई लेस्टर पहले ही प्लानिंग कर पाए और भाई बिल्ली अभी आ जाती ख़त्म हो जाता खेल। तो यहाँ पे लेस्टर को कॉल लगा देता हूँ, क्या पता लेस्टर जग रहा हो कि नहीं जग रहा हो, उठा देता हूँ भाई इसे फटाक से, चलते हैं भाई उससे पूछ लेते हैं आखिरकार हमें जाना कहाँ है। तो भाई मेरी लेस्टर से बात हो गई, ठीक है भाई। लेस्टर सो रहा था और लेस्टर अपने घर पर, लेस्टर कह रहा ठीक है भाई तुम वहीं पे आ जाओ अपनी फैक्ट्री में, ठीक है लेस्टर की फैक्ट्री में जाना है। तो कह रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने उसको भाई अभी कुछ कहानी बताई नहीं कि ऐसा सीन है, मैंने ऐसी कही है बस बहुत इमरजेंसी है, तुम फटाक से आओ। तो कहते वो फटाक से भाई वहीं पे पहुँचना, हम लोग भी गाड़ी भगाते हुए पहुँचते हैं। इस गाड़ी की वैसे स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग को पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस देख तो गाड़ी भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ, यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी। और गाइस रेंज रोवर कहाँ गई, हमारी एक रेंज रोवर थी। चलो भाई छोड़ो रेंज रोवर के चक्कर में हम कहाँ पड़े हैं भाई, हमारी पूरी फैमिली खतरे में। भाई एल रूबी आखिरकार है कौन, मेरे को फटाक से लेस्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि भाई लेस्टर जितने भी गैंगस्टर है सबकी जानकारी रखता है लेस्टर, ठीक है। तो हम लोग फटाक चल के पूछते हैं भाई एल रूबी आखिरकार है कौन और क्या चाहता है एल रूबियो को, भाई मतलब क्या करना पड़ेगा एल रूबियो को, वहाँ पे आसान है कि नहीं है मारना, ठीक है। तो फटाक चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हो भाई ये लौंडे अभी तक नहीं है, इन लोगों को कह दूंगा, ठीक है। इन लोगों से कह दूंगा कि भाई सीधे सीधे चलना, तो भाई देखते हो यहाँ पे मैं सीधा बिल्कुल चलने लगा, और भाई मैंने इन लोगों से भी कह दिया कि सीधा सीधा चलो, देखते हो ये लोग भी बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। अगर भाई हम लोग झुक झुक आगे चलेंगे तो भाई बेइज्जती हो जाएगी अपने, ठीक है। उसको लगेगा कि पिटपिटा गए हम, बहुत मारा हमें, लेकिन भाई आने। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ये मेरे ख्याल से कुछ डिटेल निकाल रहा है, तो इसको बताया तो भाई ऐसी ऐसी बात है, इसको मैंने पूरी कहानियाँ बताई नहीं है। तो भाई देख सकते हो ये भाई कितना परेशान हो गया, और भाई इसने मेरे को एक बात कही है, एल रूबियो का नाम सुनते भाई ये बिल्कुल डर गया लेस्टर, ठीक है। और ये कह रहा है कि एल रूबियो बहुत ख़तरनाक बंदा है, वैसे तो वो बहुत मौजी बंदा है, ठीक है। एल रूबियो वैसे तो बहुत मौजी बंदा है, लेकिन भाई जब उसकी भाई लड़ाई की बात आती है तो उससे ख़तरनाक कोई बंदा नहीं है। और ये मेरे से ये कह रहा है कि भाई एल रूबियो जो है भाई उसका एक पर्सनल टापू, और अगर हम उसके टापू पे गए तो 99% चांस है कि हम लोग वहाँ से वापस ना आ पाए, ठीक है, और 1% चांस है कि हम वहाँ से वापस आ पाए। तो भाई ये कह रहा है तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, हमें तो हमने कह दिया हाँ भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमारी फैमिली की बात है तो हम लोग को भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई ये कह रहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे एक प्लान बनाता हूँ। तो भाई इसको देखते भाई प्लान बना लेता, देखते भाई क्या प्लान बनाएगा, तो यहाँ पे बात कर लेते, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। तो गाइस यहाँ पे इसने पता लगाया कि एल रूबियो का जो भाई, मतलब एल रूबियो का जो छोटा भाई है वो इधर आ रखा है लॉस सैंटोस में, गाइस वो एक मैनेजर के अपने मैनेजर से मिलने आए, ठीक है, उसका मैनेजर है। तो यहाँ पे गाइस आज एक पार्टी होने वाली है, एल रूबियो का छोटा भाई भी भाई पार्टी करवा रहा है यहाँ पे। तो गाइस हमें उस पार्टी में जाना पड़ेगा, और इसने मेरे से ये कही है कि तुम उस पार्टी में जाना, मैं बंदे भिजवा दूंगा, उस बंदों को मार देना, और गाइस एल रूबियो के भाई को ये बताना कि तुम उसके मैनेजर हो, ठीक है। और इसने ये कही है कि मैंने एल रूबियो को जो मैनेजर है उसको मरवाने की भी बात कर दी है, उसकी तुम टेंशन मत लो, उसको ये मरवा देगा, और गाइस हमें एल रूबियो का मैनेजर बन के जाना है, ठीक है, पार्टी में। तो यहाँ पे चलते हैं गाइस फटाक से यहाँ पे, और हम लोग को गाइस शाम को पार्टी, और गाइस हम लोग इसने कही है कि तुम शाम को पार्टी में जाना, लेकिन उससे पहले तुम अपनी ड्रेसअप चेंज करो, क्योंकि भाई पार्टी में ऐसे कोई ड्रेसअप रेसर वाली ड्रेसअप पहन के नहीं जाता, ठीक है। तो इसने कही है तुम जाओ शॉप पे और कपड़े वपड़े पहनो अपने लिए, और गन ले लेना जाके फटाक से, क्योंकि भाई एल रूबियो ने मतलब उसने क्या करा, डगन बॉस ने हमारी सारी कानून छीन लिए, ठीक है भाई, उसने सारी कानून हमारी छीन ली। तो यहाँ पे बैठते फटाक से, आजा भाई बैठ बैठा रहे, लो यार ड्राइवर भी बिल्कुल सबर नहीं करता, मैं इधर ही ला रहा हूँ गाड़ी, लेकिन नहीं भाई उसको गेट खोल के बैठना ही है, नंगा घूम रहा है, लेकिन इसे सबर नहीं है दो पैसे की। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे फटाक से बैठ जाओ भाई। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन बैठ चुका, लो भाई ड्राइवर, अरे भाई बॉडी गार्ड उधर से ही बैठ जाता, लो भाई बॉडी गार्ड के भी नाटक अलग ही है। तो यहाँ पे बैठ गया बॉडी गार्ड भी, तो यहाँ पे चलते सबसे पहले तो भाई इसमें गन रूम लेने चलूँगा, ठीक है, एमओ एमुनेशन की शॉप पे, एमुनेशन की शॉप तो वैसे सामने ही है, तो फटाक चलते हैं एमुनेशन की शॉप पे। और गाइस मेरे को ज़्यादा वेपन नहीं लेनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत वेपन लूँगा, क्योंकि गाइस अभी तो हम लोग एल रूबियो के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। इसने कही है अभी तुम उसके पास जाओ, मैनेजर के पास, उसका मैनेजर बन के जाओ, और तुम्हारी ऐसी की तरह स्मोकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस इसने मेरे से ये कही, चलो सबसे पहले गन ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ लेस्टर ने मेरे से क्या कही। तो गाइस मैंने गन ले ली, और यहाँ पे वेस्ट वगैरह जो सब थी मैंने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाक से बैठते, और गाइस उसने मेरे से ये कही कि तुम उसका मैनेजर बन के जाओ,
और गाइस उसके वहाँ पे कैमरा वगैरह हैक करके उसकी यहाँ की जितनी भी डिटेल वाली चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसके एंट्री गेट, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। और गाइस इसमें तो मैं एक बात बताना भूल गया था, मेरे को मार्टिन मदराजो ने एक बात और कही थी कि मदराजो की फाइलें उसने रख रखी है उसके भाई ने, जो उसे देता नहीं है, ठीक है। काफ़ी प्रॉपर्टी की फाइलें और काफ़ी काफ़ी करोड़ों की फाइलें जो उसने रख रखी है, वो भी हमें लेके आनी। तो गाइस हमारे लेस्टर ने ये कही है कि तुम्हें मैनेजर बन के जाना है, और गाइस उसकी जितनी फाइलें हैं, जितनी भी लोकेशन है, हमको सब लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एकदम जाके हाइट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा टापू है, हम बच के नहीं है। हम लोग प्लानिंग बना के जाएंगे तभी हम बच पाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ड्रेस की दुकान पे, ठीक है, यहाँ से कपड़े उपड़े ले लेते हैं। तो गाइस हम लोग वहाँ पे प्लानिंग बना के जाएंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने की भाई क्या क्या सीन है, कितने गार्ड है, और भाई क्या एंट्री गेट है, क्या एग्जिट गेट है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे भागने के लिए, उस चक्कर में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग हाइस्ट की प्लानिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ड्रेस अप कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हाँ भाई मैडम जी कुछ कपड़े उपड़े हैं पार्टी के लिए, क्या नहीं साइड में, तो ठीक है साइड में देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये कपड़े टाएंगे, तो ठीक है मैं यहाँ पे सबको पहना देता हूँ। बॉडी गार्ड तो वैसे पहनता नहीं, वो तो नंगा पोंगा रहता है, देखते हैं अगर वो पहनेगा तो ठीक है, नहीं पहनेगा तो कोई बात नहीं। तो भाई देख तो यहाँ पे मैंने पहन लिया, और भाई शाम थोड़ी शाम भी होने का वेट करना है अपन लोगों को, ठीक है। अभी तो कैसे शाम नहीं हुई है, इधर की तरफ बिल्डिंगें ज़्यादा है तो ऐसा लग धूप नहीं आती है। तो भाई देख तो सबने पहन लिया, लेकिन भाई बॉडी गार्ड ने नहीं पहना, ठीक है, बॉडी गार्ड पहनता ही नहीं कपड़े। और भाई ट्रैवल, भाई ट्रैवल पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे ख्याल से लड़के उड़के मार रहा होगा वो, भाई लड़के उड़के पेड़ के आप पेल के आया था, ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रैवल को, ठीक है। तो आ जा भाई ट्रैवल, लो भाई गिर गया ये भी यार पागल, ये बिल्कुल डर के गिर गया गाड़ी से, पागल है यार। चल भाई गाड़ी में बैठ, फटाक से देख रहा भाई ड्रिप पूरा सफ़ेद उपेद धुआं, बिल्कुल सबने भाई सफ़ेद कपड़े पहने हम लोगों ने, लेकिन भाई बॉडी गार्ड ने कुछ नहीं पहना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। और गाइस वैसे शाम को है तो मेरे को सबसे पहले कोई गाड़ी भी देखनी पड़ेगी, ढंग की गाड़ी मिलती है ढंग की गाड़ी उठाता हूँ, और ढंग की गाड़ी उठाने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, फिर शाम को ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फटाक चलते गाड़ी भगाते हुए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे शाम हो गई, ठीक है, 6-7 बज रहे होंगे शाम के, और यहाँ पे मेरे को कोई रेंज रोवर मिल गई थी, ठीक है, रेंज रोवर नहीं है, रेंज रोवर की कॉपी है ये, पूरी कॉपी है रेंज रोवर की, ठीक है। तो हम लोग को ये गाड़ी मिल गई थी, और गाइस यहाँ पे चलते शाम होने वाली, बिल्कुल हम लोग क्लब के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा एल रूबियो का भाई, ठीक है, एल रूबियो का छोटा भाई कब आएगा। और गाइस देख सकते हो एल रूबियो का छोटा भाई आ चुका है, वहाँ पे गाड़ी गार्ड खड़े हुआ भाई, रेंज रोवर की तो लाइन लगी हुई है, ठीक है, और ओरिजिनल रेंज रोवर है ये, नहीं भाई कॉपी होगी, ओरिजिनल है, सारी ब्लैक देख सकते हो भाई, सारी ब्लैक रेंज रोवर लेके वो लोग खड़े हुए। तो भाई यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भाई आराम से चलते हैं अपन लोग, भाई देख सकते हो कितने ढेर सारे, और गाइस हम लोग बस अकेले ही जाएंगे, ठीक है, हम ही मैं जाऊँगा, माइकल जाएगा, और ये तीनों क्यों नहीं जाएंगे कि मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि भाई लेस्टर का मेरे पास कॉल आया था, और लेस्टर कह रहा था कि इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी, बस एक ही बंदे की एंट्री हो पाई है, और वो जाओगे तुम माइकल, ठीक है, माइकल जाएगा भाई एंट्री में, और ये सब कार में ही बैठे रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लोग कार में बैठे रहेंगे, बाहर की जितनी भी सिक्योरिटी ये लोग सब मार देंगे, और जितने भी अंदर बंदे आएंगे उनको मैं मार दूंगा, ताकि भाई इसको विश्वास हो जाए, हाँ भाई ये हमारा मैनेजर जिसने मेरी जान भी बचाई है, और वो समझ भी जाएगा हाँ भाई मैनेजर है इसलिए इसने जान बचाई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फटाक से, एकदम चौड़े में चल रहा है तुम्हारा भाई, ताकि देखो भाई लोग डरते बहुत है माइकल से, देखना सब भाग जाएंगे माइकल को देखते ही, देखना ये भाग गया भाई, माइकल को देखते ही भागते हैं भाई बंदे, देख रहा भाई माइकल को देख, भाई माइकल थॉप बहुत है यार लॉस एंटोस में अब। तो यहाँ पे चलते हैं भाई अंदर, देखो भाई गेट वेट खोलने आए हैं बिल्कुल माइकल के लिए, चलते हैं भाई अंदर, ठीक है, तो अंदर चलते हैं और मिल लेते हैं जरा उसके लड़के से। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अंदर, और यहाँ पे गाइस म्यूजिक चल रहा है, बिल्कुल डिस्को पार्टी चल रही है, और यहाँ पे वैसे मेरे को बाहर तो दिख नहीं दिए वैसे ज़्यादा भी, इधर सब ये उसके दोस्त नहीं है, ठीक है, उसकी पर्सनल पार्टी चल रही है, और उसकी पर्सनल पार्टी में हमारे लेस्टर की वैसे एंट्री हो गई है, ठीक है, वरना हमारी एंट्री हो नहीं पाती। तो गाइस मैंने नाम वो अपना बता के अंदर आ गया था, और यहाँ पे देखते भाई फटाक से उसके एल रूबियो का भाई को ढूंढते हैं, एल रूबियो का भाई है किधर आखिरकार, वैसे मेरे को दिख तो रहा नहीं इधर, पता नहीं कहाँ है। तो गाइस वो दिख गया मेरे को देख, तो गाइस वो नाच रहा व्हाइट शर्ट में, तो गाइस वो नाच रहा व्हाइट शर्ट में, एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, वो उधर पे है, तो मैं एक काम करता हूँ फटाक से फ़ोन निकाल लेता हूँ, फ़ोन पे भाई उसको फोटो भेज देता हूँ रेस्टो को, रेस्टो ने कही थी मेरे को फोटो भेज देना, और गाइस एल रूबियो उसको भी भेज रहा हूँ, मार्टिन मदराजो को ताकि पता चल जाए कि हम लोग यहाँ आते, ठीक है। तो यहाँ पे भेज देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो पार्टी ड्यूटी चल रही, पूरी ड्रिंक वगैरह चल रही है, और यहाँ पे भाई पुशअप लगा रहा है वो बंदा, देख सकते हो यहाँ से मेरे को दिखा बंदा वो पुशअप लगा रहा है, देख सकते हो ये पुशअप लगा रहा है, वो दिख गया मार्टिन मदराजो को भाई, और ये ना मार्टिन मदराजो को भाई, और ये नाच अब भाई क्या डांस कर रहा है, इसका नाच डांस देखना, ये देखो भाई इसका डांस ही अलग चल रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है इमोट मार रहा है पबजी का कोई। तो एक काम करता हूँ मैं इसकी फ़ोटो खींच देता हूँ, और ये रहा भाई ये नाच रहा है, ठीक है, ये डांस कर रहा है, और ये देखो भाई डांस देखो इसका, भागने वाला डांस है, स्लो मोशन में भाग रहा है, ठीक है। तो उसकी फ़ोटो खींच लिया मैंने, और इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं भेज देता हूँ मार्टिन मदराजो को और लेस्टर को, ठीक है, ताकि दोनों को पता चल जाए ये है कौन, और मतलब मार्टिन मदराजो कन्फर्म कर देगा कि हाँ भाई यही है, ठीक है, तो मैं भेज देता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को फ़ोटो दिखा दी थी,
तो यही लग रहा है मेरे को, वैसे देख लेते हैं उसको, फोटो भेज के भेज देता हूँ, अगर इसका अप्रूवल आया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो गाइस मतराजो का मेरे पास अप्रूवल आ गया, मतराजो कह रहा है ठीक है भाई यही है, तुम वेट, अब भाई हमें वेट करना थोड़ी देर, ठीक है अब हमें थोड़ी देर वेट करना है, अब वो हमारे अटैकर्स यहाँ पे अटैक कर देंगे, तो गाइस हमें क्या करना है भाई, सबको मार देना और गाइस बस हमारे उसको बचाना है, और वो आ गए अटैकर्स, ठीक है गाइस यहाँ पे मैंने गन निकाल दी है, बस इसका मौली फेंकने का इंतजार कर रहा हूँ, और लो भाई इसने मौली फेंक दिया, अब इसे मारता हूँ फटाक से, और लेस्ट ने गई थी तुम इसे मार सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सबको मार देता हूँ, और गाइस देखते हो वो ऊपर चढ़ गया था, और मैं इसको लिया, ठीक है मतराजो के भाई को लिया, और उसको मैंने बता दिया कि तुम मेरे संग संग रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और यहाँ पे चलते हैं भाई फटाक से, और इसे मार देता हूँ भाई, जितने दिख रहे सबको मार देते हैं, और गाइस ये हमारे पैसों से आए हैं, और गाइस हमें इन्हें मार देंगे, मतलब अपना काम डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, और भाई बंदे तो काफ़ी बुलवा दिए लेस्टर ने, लेस्टर भी तगड़ा है, ये नहीं चार पांच बंदे बुलवा सकते, और देखो भाई इन लोगों ने सबको जला के राख कर दिया भाई, बंदे भी तगड़े भिजवाए थे लेस्टर ने भाई, सबको जलवा ही दिया उसने, ठीक है तो यहाँ पे तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ तुम्हें, ज़्यादा गैंगस्टर बनना आ रहा है ने, ठीक है हम एक तो हमारे पैसों से आए, और गाइस हम पे हथियार पूर दान रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है इन लोगों ने तान है, हम लोग को गोली चला नहीं रहे वैसे, लेकिन भाई अब ये लोग चला सकते हैं गोली, क्योंकि भाई इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग इन्हें मार रहे हैं, और ये देखो भाई ये भाई सब चला रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, और ये देखो कलुए है मैं जॉनी ब्लेज, तो यहाँ पे सबको मैंने क्लियर कर दिया, आ जा भाई मार्टिन मजारो को भाई जल्दी बाहर आओ, मार्टिन मजारो का भाई नहीं, एल रूबियो का भाई है, ठीक है यहाँ पे बाहर चलते हैं फटाक से, और यहाँ पे भाई मैं लेके चलता हूँ इसे, और इसे बता भी दूंगा कि हाँ भाई हम तुम्हारे वो हैं मैनेजर हैं, और यहाँ पे ऐसा सीन है, तो गाइस मैंने इसे बता दिया कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई ये जल्दी या तो, ठीक है यहाँ पे बाहर निकलता हूँ, तो गाइस ये देख सकते हो आ गया, और यहाँ पे गाइस ये देख के काफ़ी चौंक चुका है कि इसके सारे बॉडीगार्ड वगैरह सब डर गए, और ये कह रहा है तुम मेरे को घर छोड़ दो, तो गाइस चलो इसको घर छोड़ देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जा भाई गाड़ी में बैठ फटाक से, तो यहाँ पे ये रेंज रोवर है, तो इसी रेंज रोवर में बैठ जाते, इसी की रेंज रोवर, ये देखो भाई कैसे ये लोग बाहर आ गए, कुछ बंदे बच गए, तो ये लोग बाहर आ गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं भागे, भाग जाओ बेटा फिर दिखोगे नहीं, और ये एक सिक्योरिटी वाला है, ठीक है एक सिक्योरिटी वाला बचा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे फटाक से गाड़ी लेके चलते हैं, ये यहाँ पे एक होटल में रुका है, ठीक है वो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा और महंगा होटल है, ठीक है ये उधर रुका है, तो चलते हैं उधर फटाक से इसे छोड़ देते हैं, और ये गाइस मैं इसे रोड पे बता भी दूंगा कि ऐसा सीन है, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ ये वो, ठीक है तो हम लोग बात भी कर लेंगे इससे, चलते हैं गाइस फटाक से इसको छोड़ दें, तो गाइस मैंने इसे छोड़ दिया, मतलब मैं इसको लिया हूँ, ठीक है और यहाँ पे मैंने इसे बता दिया कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, ये मान भी गया, ठीक है भाई ये मान गया, ये हमारा फ़ायदा हो गया, ठीक है ये कह रहा ठीक है, भैया ने बात करी थी तुम वो ही हो, मैंने हाँ भाई वो ही हूँ मैं, ठीक है तो ये कह रहा है ठीक है तुम सुबह 12 बजे मेरे को एयरपोर्ट पर मिल जाना, मैं ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है तो यहाँ से चला गया, अपन लोग भी चलते हैं भाई फटाक से अपने भाई चलते हैं लेस्टर के पास, ठीक है अपना घर तो वैसे भी ख़राब हो रखा है, बेड रूट सब अपना ख़राब हो गया, कोई घर पे आने का फ़ायदा है नहीं, तो गाइस लेस्टर की फैक्ट्री में चलते हैं, और गाइस लेस्टर से बात कर लेते हैं, लेस्टर से हैकिंग के डिवाइस उठाने और जो जो चीज़ें मेरे को दे रहा है, एक भाई मेरे को वेब कैम भी देगा अपनी शर्ट पर लगाने के लिए, ताकि भाई लेस्टर सब कुछ देख सके, चलते हैं भाई फटाक से लेस्टर के पास, और जितनी भी हमारी गैजेट लेने हैं वो सारे गैजेट ले लेते हैं, और भाई थोड़ी देर सो जाएंगे, ठीक है क्योंकि भाई हम लोग को सुबह 12 बजे हम लोग को वहाँ पहुँचना है एयरपोर्ट पर, ठीक है तो चलते हैं फटाक से गाड़ी भगाते हुए लेस्टर की लाइब्रेरी, मतलब लेस्टर की फैक्ट्री पर, लाइब्रेरी हर बार लाइब्रेरी आ जाती है मेरे मुँह में, लेकिन फैक्ट्री है उसकी, ठीक है गारमेंट्स की फैक्ट्री है, चलते हैं फटाक से, तो भाई देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गया हूँ गारमेंट की फैक्ट्री पे, ठीक है और भाई थोड़ा सुबह ही हो गई थी तो यहाँ पे आता है दिन हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ भारी, और वैसे सोने होने का तो कोई अब वक्त बचा नहीं है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ गैजेट ले लेता हूँ, जितने गैजेट होंगे मैं सारे गैजेट उठाता हूँ, और यहाँ से भाई देख लेते हैं अपने दोस्त लोग भी वैसे आ रहे होंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैजेट उठाता हूँ, यहाँ पे मैंने देख तो वेपन शॉप से वेपन सारी ले ली थी, ठीक है वेपन शॉप से मैं गया था और मैंने सारी वेपन ले ली ताकि भाई कोई दिक्कत उक्कत हो, तो गाइस वेपन हमारे पास सारे नहीं, क्योंकि गाइस जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी हाइस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई जो भी कर रहे हैं अगर उधर फंस गए तो भाई हमारे पास वेपन तो होने चाहिए बचने के लिए, ठीक है तो मैं यहाँ गाइस ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है तो यहाँ पे ऊपर आ गए, ये लोग भाई पूरे प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है तो इन लोग की प्लानिंग वगैरह सुन लेते हैं और देखते भाई क्या सीन, और गाइस इन लोगों ने मेरे ख्याल से मैप वैप भी वहाँ का दे देंगे, तो वहाँ का अगर मेरे को मैप मिल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया, वगरना देखते हैं, तो गाइस एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए, तो गाइस जो एल रूबियो का जो गाइस जगह है, ठीक है एल रूबियो का जो टापू है गाइस वो किसी को नहीं पता, ठीक है इनफैक्ट पूरी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट तक को नहीं पता है कि उसका टापू है किस लोकेशन पे, ठीक है बस एल रूबियो को पता है, एल रूबियो को भाई को पता है, मार्टिन मजारो को पता है, लेकिन भाई उसका अभी तक मैप नहीं बना, गूगल वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम लोग गूगल मैप पे भी नहीं देख सकते उसका मैप, तो गाइस हमें बिना मैप के जाना पड़ेगा, और गाइस जितनी भी हैकिंग डिवाइस थी वो सारी मैंने ले ली है, ठीक है और छोटी छोटी डिवाइस थी, एक हमारे बटन मिला है, उस बटन में क्या लगा है, कैमरा लगा है, ठीक है तो वो उससे क्या होगा, कैमरा एक्सेस कर पाएगा हमेशा अपना लेस्टर, ठीक है और गाइस एक माइक है हमारे पास, और एक हेडफोन दिया है, मतलब एयरफोन दिए ताकि ये कुछ भी हमसे कहते हो हम सुन पाएँ, और गाइस ये हमें इंस्ट्रक्शन देते रहेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें उसी को फॉलो करना है, ठीक है
चलते भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से भाई 12 बजने ही वाला होगा, अभी टाइम देख लेते हैं वैसे कितना हुआ अभी टाइम। तो भाई देख सकते, यहाँ पे 11:06 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 11:06 बज गए, जब हम लोग आए थे भाई तब 6 बज रहे थे, और 11:06 हो, 11:08 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फटाक से निकलते हैं, मेरे को भाई 15-20 मिनट की तो रास्ता है, गाड़ी तेज भगाते हुए चलूँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाक से गाड़ी भगाते हुए चलते हैं एयरपोर्ट, ठीक है। तो 12 बजे से पहले पहुँच जाना, उसने मेरे को 12 बजे बुलाया था, लेकिन भाई अब मैं 12 बजे से पहले पहुँच जाना है, ठीक है। टाइम से पहले पहुँच जाएंगे तो भाई उसे लगेगा हाँ भाई सही है, क्या पता भाई उसका असली मैनेजर पहुँच जाए टाइम पे। तो अगर टाइम से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे, अगर उसका असली मैनेजर होगा तो उसे मार देंगे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाक से चलते गाड़ी भगाते हुए एयरपोर्ट पे। तो भाई गाड़ी भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे फटाक से हम लोग चलते हैं। और उसने मेरे को कही थी कि लास्ट वाले हैंगर पे आना, लेकिन भाई लास्ट वाला हैंगर कौन सा हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट वाला हैंगर ये होना चाहिए, ये नहीं, ये तो वन है, ठीक है, ये हैंगर वन है। तो मेरे ख्याल से वो आओ, ठीक है ठीक है, मेरे को दिख गया वो खुला ही है हैंगर, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फटाक से, एक हैंगर खुला दिख गया है मेरे को, वही वाला हैंगर होना चाहिए वैसे तो उसका, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते। हाँ भाई वही वाला होगा जब उसने लास्ट वाला कही है, तो ठीक है, तो एंड वाला ही होगा। तो फटाक से गाड़ी भगाते हुए चलते हैं, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। ये गाड़ी तो गाड़ी हमें उसने दे ही दी है, मतलब बैल रुपये को भाई ने हमें खुश होकर ये गाड़ी दे दी थी, कह रहा भाई तुम ये गाड़ी रख लो अपने पास ही, ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई तो ये गाड़ी रख लो। तो एक काम करते हैं, ये गाड़ी की भाई कीमत बहुत होती है रेंज रोवर की, तो अपन लोग इधर खड़ी कर देते हैं गाड़ी, ठीक है। हम लोग इधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, भाई लॉक लगा दे बेटा, कैसे डर रहा तुम लोग हैं, तुम ना ठोक दूंगा। तो यहाँ पे भाई लॉक लगा दिया मैंने, और यहाँ पे टाइम देख लेते कितना हो गया। तो यहाँ पे गाइस टाइम हो गया 11:26, तो ठीक है मैं 26 नहीं भाई मैं 20 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट पे आ गया, ठीक है। मैंने गाड़ी तेज भगाई थी तो मैं 20 मिनट के अंदर अंदर आ गया एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत चोट लग गई है, क्यों, क्योंकि भाई ये साइड वाले मेरे से ज़्यादा बोल रहे थे, तो गाइस उन लोगों से मेरी फाइट वाइट चल गई थी, मैंने उन लोगों को जला दिया मोली वोली फेंक के। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से फटाक से गाड़ी, मतलब गाड़ी तो आई नहीं, कर हम लोग गाइस भागते भागते आ चुके हैं यहाँ पर। गाइस देख तो लिमोजिन वगैरह से आया भाई बंदा, तगड़ा आ गया क्या, पता नहीं भाई, ऐसा ना हो आ गया हो, तो आ गया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो दो दो लिमोजिन खड़े हो, दो दो प्राइवेट जेट खड़े हैं, एक येलो कलर का एक रेड कलर का। तो चलते हैं फटाक से गाइस, और यहाँ पे गाइस देखते हैं, और यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ, ठीक है, और उसका वेट कर लेते हैं, वो पता नहीं कब आएगा एल रूबियो का भाई। और यहाँ पे ये कौन लड़कियाँ आ गई हैं दो, और कैसे परेशान है बे, और गाइस अपने माइकल का टैटू दिख रहा है बिल्कुल, और ये आ गया, मेरे को लग रहा है ये, हाँ भाई यही है, तो ठीक है यही है भाई अपना। और भाई कल इसके बाल अलग स्टाइल के थे, अब इसने बाल कटा वटा के आया, ठीक है, और कैमरा वैमरा लेके आया बिल्कुल तगड़ा। और यहाँ पे भाई माइकल से बात कर रहा है, तुम लोग सुन लो, और लो भाई ये पायलट आ गए, ठीक है पायलट भाई। और मैं तुम्हें बताऊँ, इससे हमारी सेटलमेंट है ये वाले पायलट से। तो गाइस हम लोग का जैसी काम हो तब हो जाएगा, ठीक है, हम लोग जैसी अपने जो भी चीज़ें सब कर पाएंगे, अपनी जितनी भी हम लोग जानकारी निकाल पाएंगे, और ये पायलट हमें वापस से लिया आएगा। और गाइस मैं तुम्हें बता दूँ, हमें एक दिन के अंदर अंदर वापस आना है, ठीक है, कल सुबह, आज तो जा रहे हैं हम लोग, कल सुबह से पहले पहले हमें वापस आना है, वरना तो भाई दिक्कत हो सकती है, हम लोग शायद वापस ना आ पाए, ठीक है, कल सुबह से पहले पहले हम लोग को वापस आना है। तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे इसकी फोटो क्लिक करवा रहा है, इसकी फोटो क्लिक कर देते हैं। लो भाई फोटो भी क्लिक क्लिक हो गई, कल भी लड़कियों के दम फोटो खिंचवाई है इसने, और बाल देखो भाई लड़कियों के कैसे हैं, एक के वाले पीने एक के बाद पता नहीं कैसे हैं। और यहाँ पे इसके दोस्त वगैरह आ गए हैं, और लो भाई दोस्त देख रहे हो बिल्कुल एकदम। This one will not crash, I promise. Yeah, we heard about that story. No, it wasn't that bad. He's still coming, isn't he? यार ले कैमरा पकड़ बे, ज़्यादा ही चौने में जा रहा है। Come on, Dre, who the fuck are these people? और ये कौन आया? Calm down. Okay, but I hope you brought the music. Tell me you brought the music. Look, the music is in my phone, in my car, at your house. Somebody's slipping. Tell me you guys are pulling up right now. No, boss, we got a problem. The car is gone. Damn. What the fuck? Shit, Dre. What's in that phone? Anything about me? Private financial shit, naked pictures, but more importantly, a lot of my fucking music, demos, unreleased shit. This could be a fucking problem. अरे भाई नहीं जा रहे बंदे, मेरे ख्याल से इन लोगों ने भाई पैकिंग वापस से कर ली अपनी, ये लोग नहीं जा रहे मेरे ख्याल से, भाई इधर आया और ये लोग वापस जा रहे हैं अपने घर को, ठीक है, इन लोग का भाई अलग ही सीन चलता रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम ही लोग चलते हैं, ये लोग नहीं जाएंगे, ये लोग जा चुके अपनी रेंज रोवर, भाई इन लोगों पे भी रेंज रोवर है भाई, ये लोग रेंज रोवर ही चला रहे हैं क्या, वो यहाँ पे पीछे भी रेंज रोवर खड़ी है, तगड़ा सीन। और ये भाई इसकी फोटोग्राफी बंद नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ गए थे गाइस, हम लोग भी चढ़ गए थे, ठीक है। तो भाई जहाँ पे हम आए प्लेन उड़ चुका है, ठीक है, और हमारा प्लेन उड़ चुका है, यहाँ से चलते हैं, और भाई बिल्कुल से प्यार से सिनेमैटिक। और लो भाई प्राइवेट प्लेन के अंदर पार्टी चल रही है, माइकल भी अपना फुल मौज कर रहा है, देख रहा है भाई कैसे मौज कर रहा है, माइकल भी फुल मौज में लगा हुआ है। लो भाई अब वो पीछे के दो देखो भाई, बिल्कुल शांति से बैठे हुए बंदे,
उनकी अलग ही चल रही है। यहाँ पे गाइस हम लोग उड़ते उड़ते आ चुके हैं भाई, कितनी देर से उड़ते हुए आ रहे हैं भाई, बहुत देर हो गई उड़ते उड़ते। और गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टापू पे, ठीक है। और देख तो बिल्कुल बीच समुंदर के अंदर है टापू भाई, ये बिल्कुल बीच समुंदर में है ये टापू। और यहाँ पे हम लोग इस टापू पे लैंड हो गए हैं भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है वैसे ये टापू तो मेरे को। और ये आ गई है भाई, ये गाड़ियाँ आ गई हैं भाई, ये वो आ रही है भाई, तगड़ा ही सीन चल रहा है, एकदम से जंगल फॉरेस्ट वाली फील आ रही है। और यहाँ पे बंदे उंदे सब आ रहे हैं, उतर गए। अच्छा गर्मी है भाई यहाँ पे, ठीक है भाई गर्मी है तो यहाँ पे, ताकि हम क्योंकि भाई बीच में है ना बिल्कुल। भाई माइकल अपना चौड़े में रहता है, ठीक है ज्यादा। और भाई ये देख रहे हो भाई, एल रूबियो है ये। भाई एल रूबियो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, मैं तुम्हें बता दूं। और लो अच्छा भाई साहब इनके दोस्त हैं, और मैं तुम बता दूं ये लोग जो जितने भी आए ये लोग डीजे वाले हैं, ठीक है। ये जो पीला ये वाइट शर्ट पहना है और ये सब डीजे वाले हैं, ठीक है। ये लोग सब डीजे वीजे वाले हैं, ये लोग डीजे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैनेजर बन के आए हैं, ये लोग डीजे वाले हैं, ये लोग हमारे साथ नहीं मिला। और भाई ये भाई अपना एल रूबियो अपना नहीं है, मतलब जो एल रूबियो भाई पार्टी का बहुत शौकीन है, ठीक है, बहुत शौकीन है ये पार्टी वगैरह का। और ये पार्टी वगैरह कराता हो भाई, इसका पूरा ड्रग्स का बिजनेस चलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स उगाता है, कोकेन उगाता है, और यहाँ पे इसे एक बेचता है, और पूरे वर्ल्ड में बेचता है यही इसी की ड्रग्स जो हम लोग आज तक चुराते आए हैं, जो भी भाई कोकेन वगैरह चुराते हैं वो सब इसी की होती है, और यही बेचता है, यही बनाता है भाई, यही प्लांटिंग करता है, मतलब जो भी सीन है। और ये कौन आया भाई? You feed the panther? You don't know. Oh, you did something right, finally! Yeah. All right, now run along. Just wait, guys. Everything you asked for and more, huh? It's gonna be a fucking party. Guests are all here. Best crowd money can buy. Oh, hey! And you're not on the mainland now, huh? My rule. Anything goes! Let's go. All right. Baby. तो यहाँ पे उन लोगों को भेज दिया और हम लोगों से मुलाकात हो रही है, ठीक है। हम लोग मैनेजर हैं, इसने हमें बता दिया। और ये हमसे कह रहा ड्राइव करने को, चलो कोई दिक्कत नहीं ड्राइव कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है गाइस, ये हमसे ड्राइव करने के लिए कह रहा है। और गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एल रूबियो के टापू पे, ठीक है भाई। हम लोग अब एल रूबियो के टापू पे तो आ चुके हैं, अब देखते हैं भाई कितना हार्ड होगा एल रूबियो के टापू पे से हम लोग को, मतलब जो भी इसकी डिटेल्स वगैरह वो प्राप्त करना, प्राप्त मतलब गेट करने जो भी हम लोग ले पाएंगे, देखते हैं भाई कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि भाई हमें हैकिंग वगैरह सब करनी है। अब हमें हैकिंग करनी पड़ेगी, चोरी तो खैर हमें नहीं करनी है अभी, बस हमें हैकिंग करनी है। और जितनी भी इसकी चोरी वाली जगह है जहाँ पर हम लोग गेट हैं सब हमें देखने हैं, ठीक है। हमें गेट देखना है, इसकी जितनी भी चीज़ें कीमती कीमती वो देखनी है, और जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो सारी हमें यहाँ पर देख के जानी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख के जाएंगे तभी भाई हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो देखते भाई क्या क्या सीन होने वाला है यहाँ का, तो यहाँ का देखते भाई क्या सीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल रूबियो के टापू पे तो आ चुका हूँ, अब उसके आगे का देखते भाई कितना खतरनाक रहने वाला है सीन। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुम लोग से अगली वीडियो में, ब्रेक के बाद। बाय, और दोस्तों को शेयर कर दिया करो यार, बाय।